वेलकम टू माय चैनल द शो मास्टर खतरों के खिलाड़ी सीजन नंबर 12। आप लोगों को क्या लगता है कौन होने वाला विनर? क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ये मेरा प्रेडिक्शन में दे रहा हूँ और जहाँ तक मैं जितना खबरें देख रहा हूँ वो हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो फिनाले में जाने वाला जो व्यक्ति रहेगा और फिनाले और साथ में शो जीतने का जो व्यक्ति रहेगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्योंकि राजीव आदित्य को कहीं ना कहीं लास्ट हफ्ते तक लेके जाएगा फॉर एंटरटेनमेंट, अनुशांत भट्ट को भी लेके जाएगा, दोनों में से एक को तो लास्ट तक लेके जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे जो फिनाले में जाने वाला जो व्यक्ति रहेगा, यहाँ पे साफ साफ रोहित शेट्टी का जिससे ट्वीट आया वो हिसाब से क्लियरली लग रहा है कि रुबीना दिलैक, तुषार खालिया, शिवांगी जोशी और भी एक दो नाम है, क्षितिज जा करके उनका भी नाम लिया है और ये इन लोगों का ज़्यादा चांस लग रहा है कि फिनाले वीक में जाने का। और जैसे कि पहले बीच में खबर आ गई कि प्रतीक सेट पर बाहर हो गया, फिर अंदर आएगा या नहीं आएगा वाइल्ड कार्ड में, शिवांगी जोशी बाहर हो गई वो अंदर आएगा नहीं आएगा, ये कुछ अलग अलग बातें चल रही है। बट मैं जहाँ तक मेरे दृष्टिकोण से मैं देख रहा हूँ तो ये शो का विनर बनने जा रहा है ये तुषार कालिया या तो रुबीना दिलैक। रुबीना दिलैक इसलिए कलर का फेस है इसलिए ज़्यादा चांसेस है, और साथ ही साथ में शिवांगी जोशी का भी ज़्यादा चांसेस है। शिवांगी जोशी का ये हो सकता है कि अफवाह फैला हुआ कि बाहर हो गई ताकि एक बस बना रहे शिवांगी जोशी के लिए, वाइल्ड कार्ड में एंट्री आ रही है, बट मुझे लग रहा है शिवांगी जोशी को भी विनर बनाया जा सकता है। और साथ ही साथ में तुषार कालिया का इसलिए ज़्यादा इतना चांस है कि क्योंकि तुषार कालिया एक कोरियोग्राफर है और प्लस ये चीज़ है कि रोहित शेट्टी भी उसे जानता है, तो ये लिंक मैं नहीं कर सकता क्योंकि डिपेंड करता है टास्क के ऊपर। लेकिन टास्क जहाँ तक की ये खबर आ रही है तुषार कालिया सबसे बेस्ट टास्क कर रहे हैं वहाँ पे, साथ ही साथ में रुबीना दिलैक कर रही है, तो ये देखने लायक रहेगा कि तुषार कालिया वो बनाए। क्योंकि जैसे पिछले हफ्ते पिछला सीजन जो हुआ अर्जुन बिजलानी और दिव्यांका त्रिपाठी केस में, और लास्ट वाला फिनाले टास्क ना लल्ला रखा जिसमें अर्जुन बिजलानी ने अच्छे से परफॉर्म कर लिया, बस को विनर बना दिया। ये बायस डिसीजन था क्योंकि वहाँ पे दिव्यांका त्रिपाठी ने काफ़ी अच्छा टास्क किए थे, बहुत पहले से अच्छे अच्छे टास्क किए थे, तो सभी हफ्ते का टास्क को देख के करना चाहिए। और जो प्रतीक के फैंस है तो उनको ये बताना चाहूँगा कि आप लोग ये उम्मीद रख के मत चलो कि प्रतीक सेठवाल विनर बनेगा, कतई विनर नहीं बनेगा। क्योंकि प्रतीक सेठवाल पहले से कलर सरफेस ये बिग बॉस में थे ज़रूर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसको खतरों के खिलाड़ी के विनर बनाएंगे। क्योंकि खतरों के खिलाड़ी के विनर वो होता है जो टास्क भी परफॉर्म करता है और साथ ही साथ में कलर का फेस होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बिग बॉस में भी वही होता है कलर का फेस, तो कलर्स चैनल का जो फेस होता है उनको ही विनर बनाने का ज़्यादा चांस होता है, तो ये हमेशा ध्यान में रखना। और जो पहला दो तीन हफ्ते में अगर जो बाहर जाता है तो टास्क खराब करने की वजह से बाहर होता है, ना ही कि शो बायस दिखा के बाहर करते। पहले दो चार हफ्ते में जो बाहर होते ना वो लोग बाहर होते जिन्होंने टास्क खराब किया होता है, जिनसे टास्क हो नहीं पाता है तो वो लोग ही बाहर होते हैं। अगर प्रतीक सेठवाल का नाम आ रहा है तो इसका मतलब प्रतीक सेठवाल ने अच्छे टास्क नहीं किए होंगे इसलिए बाहर जा रहा है, लेकिन अगर प्रतीक सेठवाल अच्छा टास्क करेंगे सभी तो प्रतीक सेठवाल बाहर नहीं जाएंगे, वो फिनाले तक जरूर जाएंगे। बाद में से फिनाले में निकालना है निकालना वो क्या बोलते हैं विनर बनाना है नहीं बनाना ये शो के हाथ में, और शो नहीं बनाएगी, शो के पास और ऑप्शन है, जैसे शिवांगी जोशी का नाम है, शिवांगी जोशी का ऑप्शन है और तुषार कालिया का है और साथ साथ में रुबीना का ऑप्शन है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रतीक राजीव आदित्या या मोहित मलिक हो या फिर जन्नत जुबैर हो या फिर फैजू हो, इन लोगों में से कोई विनर बनेगा मुझे नहीं लगता। हाँ, यहाँ तक फैजू का भी नाम है जो टॉप में जा सकता है, जो फिनाले तक जा सकता है, लेकिन विनर वो भी नहीं बनेगा। तो विनर एक ऐसे इंसान को बनेगा जो कलर सा फेस हो, जो थोड़ा समझो यार वैसे होता है। तो ये है कचरों के खिलाड़ी, आप लोगों का क्या सोचना आप लोग बताओ। तो आप जो प्रतीक के फैंस है नाराज मत हो जाइए क्योंकि ये शो ही ऐसा है, ये बिग बॉस ऐसा शो नहीं जिसमें हम क्रिटिसाइज करें या फिर वो करें। खतरों के खिलाड़ी टास्क परफॉर्म नहीं करते तो गाना ही पड़ेगा, और जो टास्क अगर हाँ प्रत्येक साइज पर टास्क परफॉर्म किया अच्छे से फिर बाहर चले गया फिर तो फिर हम वाट लगाएंगे अलग से भाई। तो वेट करो 2 जुलाई का जब ये टेलीकास्ट होगा तो आप लोग को खबर दूंगा। आप लोग रिव्यू चाहिए नहीं चाहिए आप लोग मुझे बताइए, मैं रिव्यू जरूर करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।